गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाइए, फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की क्लास और भी बेहतरीन होने वाली है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और आज सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारे जीवन में यूज क्या है, हम उन्हें अपने जीवन में कैसे यूज करते हैं। तो जल्दी से सब लोग ऑनलाइन जुड़ जाओ, लिंक को शेयर कर दो ताकि हम लोग आगे अपनी कहानी बढ़ाना शुरू कर दें। जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। चलिए, क्लास को हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और शुरू करते हैं कहानी। इसे समझिए, एक एक पॉइंट को आप बेहतरीन तरीके से समझते चलिए, लिखते चलिएगा, ठीक है बेटा। तो आज हमारे प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का ये जो यूज है, उसमें पहला यूज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान में स्थायी रूप से, वर्तमान में स्थायी रूप से अगर कोई काम हो रहा है, अगर वर्तमान में कोई स्थायी रूप से कोई काम चल रहा है, तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान में, दिख रहा है ना सबको भैया, वर्तमान में स्थायी रूप से हो रहे या चल रहे, हो रहे या चल रहे किसी कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर वर्तमान में वो काम हो रहा है, वर्तमान में वो काम चल रहा है, अगर वो नियत रूप से चल रहा है, स्थायी रूप से चल रहा है, अगर उसमें टेम्परारिटी नहीं है, अस्थायी रूप से नहीं चल रहा, वो रेगुलर चल रहा है, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आप लोग करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं, इसका मतलब अभी तो नियत रूप से ये काम चल रहा है। अगर आपको कहना हुआ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं, तो अभी तो आप नियत रूप से कुछ दिन के तो पढ़ाई कर ही रहे हो। मैंने लिखा आई रीड इन दिस कॉलेज। एक और लिखा My father works in this company. या और भी कोई बात क्या मैं लिख दूं, जैसे I live in this city with my mother. ठीक है जी, ये तीन तीन सेंटेंसेस हमने लिखे, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर एक एक्ट हो रहा है रीड करने का, और ये जो इस कॉलेज में रीड करने का हो रहा है काम, ये अभी ये काम स्थायी रूप से हो रहा है। इस वर्तमान समय में ये काम स्थायी रूप से हो रहा है। अगर ये काम स्थायी रूप से इस समय पे हो रहा है, तो हमने जो यूज किया वो क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय फादर वर्क्स इन दिस कंपनी, तो मेरे पिताजी जो इस पे काम कर रहे हैं इस कंपनी में, अभी के समय पे ये स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। या आई लिव इन दिस सिटी विद माय मदर, अभी जो मैं इस शहर में रह रहा हूं, वो मैं स्थायी रूप से इस शहर में रह रहा हूं। तो अगर कभी भी कोई काम स्थायी रूप से होने के लिए बताएगा, तो आप वहां पर सीधे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात यदि वर्तमान की किसी आदत को बताना हो मेरे दोस्त,
तब भी हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। जैसे आई स्मोक एट नाइट, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए, आई स्मोक या आई वेक अप, ये जो मेरी है, ये अभी वर्तमान की, ये प्रेजेंट की मेरी हैबिट है, मेरी रूटीन है। अगर किसी आदत की या किसी दिनचर्या की या किसी रूटीन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी आप प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरी वाली घटना, तीसरी घटना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लीजिए कभी आपको यूनिवर्सल ट्रथ बतानी हो, यदि आपको किसी यूनिवर्सल ट्रथ के बारे में बात करना हो, यदि किसी यूनिवर्सल ट्रथ मतलब हमेशा सत्य रहने वाली घटना, यूनिवर्सल ट्रथ या हिस्टोरिकल इवेंट या मूवीज या फिल्म्स की कहानी को बताना हो तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। अब किसी टीवी की कहानी का मतलब, जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग कहते हो कि शिवन्या आती है, उधर से नागिन आती है, उधर से शेषा आती है, काली नागिन आती है, ऐसा ये जो आप कह रहे हैं, ऐसा आप बता तो एक्चुअली लेट में रहे होते हैं, जब वो सीरियल का पार्ट एपिसोड चला गया होता है तब आप बता रहे होते हैं। लेकिन बताते कैसे हैं, जैसे अभी अभी आपके सामने हो रहा है, तो वर्तमान के तरीके, अगर किसी ऐतिहासिक घटना है, किसी इतिहास की, जैसे अकबर एक राजपूत कन्या से विवाह करता है और राजगद्दी पर बैठता है और उसे यह प्रमाणित करता है कि वह धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे अगर कोई बात करनी हुई, इतिहास की कोई घटना आपको बतानी हुई, तो वहां पर जो आप बात कर रहे होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बात कर रहे होते हैं, और वहां पर भी आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करनी चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ हमने लिखा, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो सदैव निरंतर, प्राचीन, पूर्व, वर्तमान, आज, कल, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों में जो हमेशा एक ही जैसे रहने वाले चीजें हैं, उन्हें हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रथ कहते हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रथ की कोई बात होगी तब भी आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। चलिए मैं एक एक दो दो सेंटेंसेस लिखता हूं। जैसे मैं पहले यूनिवर्सल ट्रथ की कोई बात लिखता हूं, मैंने लिखा यूनिवर्सल ट्रथ की एक बात, क्या लिखा, सबसे सरल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा एक और लिखा, अकबर मैरीज अ राजपूत प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जाम्पल of secularism. Shivanya comes before her husband and shoots on his forehead. ठीक है, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। देखो जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट,
हमने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि ये जो बात बताता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात बता रहा है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ कहने का मतलब ये पहले से भी सूरज पूरब से ही निकलता था, आज भी सूरज पूरब से ही निकलता है और कल भी सूरज पूरब से ही निकलेगा, ये एकदम परम सत्य सार्वभौमिक सत्य रहने वाली घटना है। दूसरा हमने लिखा अकबर मैरिज अ राजपूत प्रिंसेस, अकबर एक राजपूत राजकुमारी से विवाह करता है एंड सेट्स और स्थापित करता है एन एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म और एक धर्मनिरपेक्षता का एग्जांपल सेट करता है। अब यहां पर मैरिज जो हमने लिखा वो इसलिए लिखा क्योंकि ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, और अगर ये हिस्टोरिकल इवेंट है तो ये भाई वहां पर उस चीज को, उस कहानी को मैं आपके सामने ताजा ताजा करके बताना चाह रहा हूं, और ताजा ताजा करके बताने के लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग किया। एक्चुअली ये बात हुई यूं नहीं होगी कि अकबर जो था वो किसी राजपूत कन्या से विवाह करके एक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण रखा होगा, ऐसा उसने कुछ किया होगा, लेकिन आज मैं जब आपसे बता रहा हूं तो ये कहानी ऐसे पेश कर रहा हूं जैसे आज ही ये घटित हो रही है। तो जब ऐसे कोई बात आपको कहनी होगी तो आप प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग करोगे। अगला लिखा गया है शिवन्या कंस, आप लोग जानते होंगे एक सीरियल आता है नागिन, एक सीरियल आता है नागिन, अब तो और बहुत आगे आगे आने लगा है नागिन। तो शिवन्या कंस, उसमें एक शिवन्या नाम की नागिन है, तो वो नागिन मान लो आती है। अब मुझे आपको बताना है, अरे यार आप बताओ कि जैसे भाभी आप सीरियल चलाती और भाभी देख रही है और आप नहीं देख पाई, और आप भाभी से खाना खाते समय पूछ रहे हो भाभी बताओ क्या हुआ था सीरियल में, और भाभी आपको कहेंगे जैसे शिवन्या आती है और अपने हस्बैंड के सामने आती है और यूं गोली उसके थपाक थपाक मार देती है। तो ये जो शिवन्या कम्स बिफोर है हस्बैंड, शिवन्या अपने हस्बैंड के सामने आती है, मतलब शिवन्या अपने हस्बैंड के सामने आई थी ऐसा कुछ बात, एंड शू ऑन हिज फोरहेड, और उसके माथे पर क्या करती है, गोली मारती है। तो यहां पर जो हमने कम्स और यहां पर जो हमने शूट्स शब्द का प्रयोग किया है वो यही प्रयोग किया है, यही बताने के लिए प्रयोग किया मेरे दोस्त कि ये कोई घटना किसी मूवी या किसी फिल्म या किसी सीरियल की है। बात समझ भाई, इतनी कहानी आप सबको समझ भाई, जरा इसे स्क्रीनशॉट ले लो तब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कोई चीज फ्रेम से कटी तो नहीं है ना? अब देखिए, आदत बताने वाले कुछ शब्द होते हैं जैसे डेली, यूजुअली, पर डे, ये सब शब्द भी होते हैं। अगर ये सब कभी शब्द मिले आपको तो भी आप जान जाइएगा कि इसमें प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है? ये भी बात आप याद रखना। अब दो चीजें आपको और बताना है, देखिए क्या कि यदि मान लीजिए फ्यूचर का कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, फ्यूचर के फ्यूचर के किसी फिक्स्ड प्रोग्राम को बताने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये कहना है कि मैं 5 नवंबर को या मैं 5 मई को इलाहाबाद जाऊंगा, जैसे मुझे ये कहना है मैं 5 मई को इलाहाबाद जाता हूं,
पांच मई को इलाहाबाद जाता हूं। अब आप मुझे बताना कि अभी तो पांच मई चल नहीं रहा, ये फ्यूचर का कोई एकदम फिक्स टाइम है कि पांच मई को ही जाएगा। अगर इस तरीके का कोई काम हो जाए कि फ्यूचर में वो फिक्स हो जाए कि फ्यूचर में उसी दिन होना है, अगर ऐसा हो जाए तो आप याद रखना कि ये अगर कोई प्रेजेंट में काम करके प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोडक्शन के हिसाब से अगर कोई सेंटेंस बोला जा रहा है तो उसे अगर आप बताओगे तो ये फ्यूचर टाइम होने के बजाय, फ्यूचर टाइम होने के कारण ये पूरा सेंटेंस का जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में बताने लगेगा और आप इस टेंस में इस वाक्य को ट्रांसलेट करने में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप यहां पे करेंगे आई गो टू अलाहाबाद ऑन 5 मई। समझ में आ रही हमारी बात, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं और भी लिख देता हूं, पीएम मोदी एक्सटेंड्स लॉकडाउन ऑन 14th अप्रैल। अब देखो अभी 14 अप्रैल आया नहीं, अब 14 अप्रैल को एक्सटेंड करेंगे, आपको ऐसे समझना पड़ेगा करते हैं नहीं करेंगे, तो ये काम आपके फ्यूचर में आने वाले टाइम में होगा। अब दूसरी अगर बात यहीं पे हम इसी को समझाएं तो एक बात आप और याद रखना कि अगर कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी रहती हैं, परंतु उसका अर्थ पास्ट टेंस में होता है, याद रखिए कि लिखा प्रेजेंट में रहेगा लेकिन आपको उसकी मीनिंग पास्ट में समझनी पड़ेगी। जैसे अगर हम लोग यहां पर कहें इंडिया डिक्लेयर्स लॉकडाउन फॉर 21 डेज। अब देखो यहां पर लिखा गया है इंडिया डिक्लेयर्स लॉकडाउन, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कब किया गया, जब ये लॉकडाउन खत्म हो गया था या लॉकडाउन चल रहा था, तो ये जो डिसीजन लिया गया, ये जो डिक्लेयर करने का दिन था वो 21 था, 21 दिन के लिए जो डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर करता है नहीं, ये डिक्लेयर किया। तो यहां पर अगर आपको कहेंगे तो भारत ने लॉकडाउन 21 दिनों के लिए डिक्लेयर किया, ऐसा आपको अर्थ समझना पड़ेगा। एक मैं और लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिखा पीएम साइंस द डील विद जापान। अब यहां पर ये जो साइंस लिखा गया है इससे ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस तो जरूर दिखता है लेकिन ये जो टाइम होगा वो फ्यूचर, ये पास्ट का होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट है लेकिन जो टाइम है वो क्या है, पास्ट टाइम है। तो यहां पर इसके माध्यम से हम पास्ट टाइम शो कराते हैं, यहां पर हम लोग क्या शो करा रहे हैं, पास्ट टाइम शो कर रहे हैं और यहां से ये पास्ट टाइम दिखा रहा है, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से ये सेंटेंस फ्यूचर टाइम बताता है, प्रेजेंट टेंस है लेकिन फ्यूचर टाइम के बारे में बताता है। तो आपको पता होगा कि फ्यूचर कोई टेंस तो था नहीं, यही प्रेजेंट के माध्यम से ही फ्यूचर बनाया गया है। आज हमारे जीवन में एक नया टेंस आ गया है फ्यूचर टेंस, तो हम लोग फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ये प्रेजेंट के ही प्रयोग से फ्यूचर बनाया जाता था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तब हम लोग आगे बढ़े।
हो गया। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कभी आपको दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, क्या कि अगर मान लीजिए कभी रूटीन वाली बात, रूटीन शो कराने वाले वर्ड्स यदि वाक्य में आए, यदि सेंटेंसेस में आए तो उन्हें सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाना चाहिए। टेंस की रूल्स से ट्रांसलेट करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रेजेंट की रूटीन बताने वाले शब्द आपको मिले, अब प्रेजेंट की रूटीन बताते कौन है, जरा उन वाक्यों को देख लिया जाए। जैसे डेली, यूजुअली, ऑलवेज, रेगुलरली, पर डे, है ना, क्या लिख रहा है ये, पर डे है ना, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, एवरी डे, एवरी वीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रेजेंट के भी बताते हैं रूटीन और पास्ट के भी बताते हैं चीजें, वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे जैसे जैसे चीजें आते रहेंगे। अभी ये सब प्रेजेंट का बता रहा है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे पूरी कोई भी चीज में यहां पर आप एक्सेट्रा लिख दे रहा हूं। अब ऐसे ही अगर कोई चीज आए जो रेगुलर आपकी हैबिट को, रूटीन को बता रही होती है, अगर वो आपको रूटीन को बता रही है, आपकी रूटीन को बता रही है, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और कोई टेंस वहां पर प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे अगर हमको ये कहना हुआ, जैसे मैं ये कहूं शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, ये लिखा अंकिता एंड अंशिका, अंकिता एंड अंशिका वर्शिप डेली, वी यूजुअली ईट वेजिटेबल्स एट नाइट। आगे लिखा दे हार्डली स्मोक विद देयर फैमिली। विद देयर फैमिली
ये कुछ सेंटेंसेस लिखे गए। अब आप देखो कि अगर मैं इधर कुछ परिवर्तन भी कर दूं और आपको रेगुलरली देखने को मिले, डेली आपको देखने को मिले, यूजुअली देखने को मिले, हार्डली देखने को मिले, तो आपको यहां से ये बात तो पता चल जाएगी कि ये कोई भी जो चीज होगी वो रूटीन को शो कर रही होगी। वो क्या शो कर रही होगी? रूटीन को शो कर रही होगी। और यहां से जो वो रूटीन को शो करेगी मेरे भाई, ये जो रूटीन को शो करेगी, तो इन सब शब्दों का अगर प्रयोग होगा और अगर वो रूटीन प्रेजेंट की है, अगर वो रूटीन आपके वर्तमान की है, तो वहां पर आपको किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी बात है, जो आप लोग देखते होंगे लेकिन कभी समझ में नहीं आया था, वो आज समझ में आएगा। जब हम इंट्रैक्टिव सेंटेंस बना रहे होते हैं और वहां पर हमको इंट्रैक्टिव बताने के लिए, बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो हमने आपको सिखाया कि अगर डबल इंट्रैक्टिव सेंटेंस है तो वहां पर आप डू और डज नाम का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और तब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसा हमने बताया था। लेकिन मेरे भाई दो चीजें आप याद रखना, हु और एक व्हाट। एक विच भी होता है, विच भी होता है, लेकिन उसे हम लोग नहीं समझेंगे। हु व्हाट से इंट्रैक्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त, बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते यदि, अब यही बात आपको समझनी है, यदि ये कौन, हुवर या व्हाट, यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करें। समझ में आई बात? जैसे आप लोग देखते हो ना, ऐसे लोग कहते हैं व्हाट हैपेंड, तो व्हाट हैपेंड होना चाहिए वो, नहीं, व्हाट के बाद सेकंड फॉर्म डायरेक्ट कैसे आ गया, नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी कोई बात आए, अब आप जानते हो हु और ये व्हाट दोनों के दोनों है तो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड है। अगर ये भैया डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं तो क्वेश्चन तो पूछेंगे। इसका मतलब ये हु और ये व्हाट ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। लेकिन यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछें जैसे कोई सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जैसे मैं कहूं राम आता है, तो अगर ऐसे ही मैं कह दूं कौन आता है, तो इस तरीके से अगर कोई बात कही जाएगी तो वहां पर अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इनके बाद किसी भी प्रकार का हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है तो हम उसके साथ प्रयोग करते हैं। मैं दोनों बातों को एक एक करके देखूंगा। जैसे मैं कहूं घंटी कौन बजाता है। अब आप देखो जरा कि घंटी कौन बजाता है में कौन शब्द आया कि ये वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया, सेंटेंस इंट्रैक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में इसी कौन की जगह मैं राम लिख दूं, घंटी राम बजाता है, तो आप देख रहे हैं कि अब यहां पर जैसे ही राम आया ये वाक्य अफर्मेटिव हो गया। इसका मतलब ये जो कौन आया है इस वाक्य में, ये एक सब्जेक्ट की तरीके से ही आया है, एक राम के तरीके से ही आया है, और इसलिए जब इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आप करेंगे हु रिंग्स द बेल, हु रिंग्स द
वेल। यहां पर अगर आपने ऐसे ट्रांसलेशन कर दिया हु डिड रिंग द बेल, हु डिड रिंग द बेल, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब एक सेंटेंस में क्या वाला देखता हूं, जैसे पांच के बाद क्या आता है, क्या आता है? अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पर क्या शब्द आया, ये प्रश्न क्रिएट कर दिया। क्या आया तो एक प्रश्न पूछना चालू कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली प्रश्न नहीं है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, पांच के बाद छह आता है, छह आता है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहां पर छह कहा, ये यहां पर ये शब्द जो प्रश्नवाचक बना रहा था, अब वो प्रश्नवाचक हट गया। इसका मतलब यहां पर ये जो क्या काम कर रहा है वो बिल्कुल कौन के तरीके से सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। इसलिए जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा व्हाट कम्स आफ्टर फाइव। लेकिन यदि आपने ऐसे बना दिया कि व्हाट डिड कम आफ्टर फाइव, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? बोलो, आप सबको ये बात समझ में आई? लेकिन अगर इसी चीज में मैं कोई और मेन वर्ब लगाना चालू कर दूं तो ये चीज आप देखेंगे कि परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, और यदि परिवर्तन होना चालू हो गया तब आप वहां पर व्हाट के बाद तो आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगा भी सकते हो, लेकिन यहां पर अगर वो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में हु आया है तो आपको वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए एक दो वाक्य और देख लेते हैं। जैसे तन्हा रातों में क्या होता है, तन्हा रातों में क्या होता है, रात को सपने में तुम्हें कौन बुलाता है, रात को सपने में तुम्हें कौन बुलाता है, मां बच्चों को, मां बच्चों को क्या देती है, मेरे दोस्त के सपने में कौन आता है, मेरे दोस्त के सपनों में
कौन आता है। देखिए कुछ वाक्य हैं, इनको ट्रांसलेट करिए। लिखा गया है तन्हा रातों में क्या होता है, क्या होता है तन्हा रातों में। अगर आप यहां से इधर के तरीके से बनाना चालू करेंगे तो क्या होता है, तो आपका आएगा क्या राम होता है, मतलब कि राम मतलब व्हाट, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस इन तन्हा रातों में। तन्हा रातों में, अब तन्हा की अंग्रेजी तो आप जानते हो, रातों की अंग्रेजी एट, तन्हा की अंग्रेजी होती है लोनली, लोनली नाइट। व्हाट हैपेंस एट लोनली नाइट, मां बच्चों को क्या देती है, तो व्हाट। अब इसके बाद अगर वर्ब के बाद कोई काम होता था तो हम तो इस तरीके से करते, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट भी आया है, मां भी आया है, तब यहां पे आप करेंगे व्हाट डज मदर, व्हाट डज मदर गिव, व्हाट डज मदर गिव किसको, बच्चों को, टू द चिल्ड्रेन। अब आपको बात शायद समझ में आने लगी होगी, टू द चिल्ड्रेन। यहां पर देखिए सब्जेक्ट में क्या ही था, क्या ही सब्जेक्ट था, क्या ही इंट्रोगेटिव वर्ब था, इसलिए हमने व्हाट लगाया, लेकिन डज डू डज नहीं लगाया। यहां पर देखा हमने कि व्हाट के बाद मां भी आया हुआ था तो हमने लगाया डज। समझ में आई बात। अब देखो, रात को सपने में तुम्हें कौन बुलाता है, कौन बुलाता है तुम्हें। अब ये वाक्य कुछ इस तरीके से बनेगा, कौन बुलाता है तुम्हें रात को सपने में, तो आपको करना पड़ेगा Who calls you? Who calls you? Who calls you? सपने में at night. Who calls you in the dream? In the dream at night. बहुत लोग सपने में चिल्लाते हैं. Who calls you in the dream at night? है ना, सपने बहुत लोग चिल्लाते हैं, अरे मत मारो मत मारो, अरे जाने दो, ऐसे बहुत सारी चीजों से चिल्लाते हैं। मेरे दोस्त के सपने में कौन आता है, कौन आता है मेरे दोस्त के सपने में, ऐसा कुछ आपको बताना है। तो कौन आता है, हु कम्स इन माय फ्रेंड्स ड्रीम, इन माय फ्रेंड्स ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, ख्वाब। तो ये ट्रांसलेशन बनेगा इन सभी सेंटेंसेस का, और ये आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये बात बड़ी जरूरी वाली थी जो मैंने आपको बता दिया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। लिख लिए भैया आप सब, बोलिए जल्दी से लिख लिए आप लोग तो आगे बढ़ जाएं। ठीक, अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हु वाला कभी भी आएगा तो उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, व्हाट वाले में तो लग भी सकती है। तो हां ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी हु आएगा तो हु के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन व्हाट आएगा तो उसे समझते रहिएगा कि कब आपको लगाना है कब आपको नहीं लगाना है। और एक बात आपको और सिखानी है मुझे विच के लिए, किसके लिए सिखानी है विच, तो विच एकमात्र ऐसा इंट्रोडक्टिव सेंटेंस वर्ड है, विच भी है व्हाट भी है। व्हाट का भी प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, विच का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव दोनों के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, विच और व्हाट दोनों चीजें आप समझ लेना। एक व्हाट, व्हाट व्हाट का प्रयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं जैसे अभी बनाया था, वाक्य का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। दूसरी बात हमने कहा विच के लिए, तो विच भी आपका बहुत कामगर चीज है,
विच वाक्य का सब्जेक्ट भी बन सकता है भैया, विच वाक्य का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और विच आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, जिसे हम अगर कहें तो डिटरमाइनर कहते तो शायद कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर मैं डिटरमाइनर कहूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, अगर मैं डिटरमाइनर बोल दूं तो डिटरमाइनर बोल दीजिए या आप एडजेक्टिव बोल दीजिए, दोनों बातें एक ही है। ना? क्या बोल दूं? एडजेक्टिव बोल देता हूं। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जब ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा तो इसके बाद वर्ब आएगी, और जब ये ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा तो ये वर्ब के बाद आएगा, ये वर्ब के बाद आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी जब ये सब्जेक्ट बनेगा, ये वर्ब के बाद आएगा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे ही यहां पर अगर कहें तो अगर ये विच सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बाद वर्ब आएगी, इसके बाद वर्ब आएगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये खुद वर्ब के बाद आएगा। इतनी बात याद हो गई। और अगर ये एडजेक्टिव बनेगा तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? एक नाउन आएगा। तो यहां पर कोई एक नाउन आएगा। इस बात को आप ध्यान से समझो। अब मैं सेंटेंस बनाता हूं। जैसे अभी मैंने एक वाक्य लिखा था, मैंने लिखा था व्हाट कम्स बिफोर थ्री, तीन के पहले क्या आता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो व्हाट शब्द प्रयोग हुआ है उसके बाद हमने वर्ब यूज किया है, और जब किसी के बाद वर्ब आता है तो जिसके बाद आता है वो शब्द अपने आप में सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहां पर ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, मैंने लिखा दिस राजा फाउंड राजा अंश व्हाट, हमने लिखा राजा अंश व्हाट। अब आप देख रहे हो यहां पर जो लिखा गया है राजा अंश व्हाट, वो किस तरीके से लिखा गया है? राजा अंश व्हाट जो लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है? क्या व्हाट वर्ब के बाद आया है? क्या वर्ब बाद में आया है? क्या तो ये क्या हुआ, मैं तेरा सही करो। ठीक है, तो अगर इसी बात को हम लोग समझेंगे, आवाज अब आवाज आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है? ठीक। राजा अंशवाट अगर इसे हमने लिखा है तो इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो व्हाट डज राजा अर्न लिखना पड़ेगा, और यहां पर जो आंसर मिलेगा वो उसका क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर हमको सब्जेक्ट के तरीके से लिखना है, विच का प्रयोग अगर हमको सब्जेक्ट के तरीके से करना है तो हम लोग सब्जेक्ट के तरीके से इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मैं यहां पर नीचे लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, विच कॉस मोर, लिखा विच कॉस मोर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो विच का प्रयोग किया गया है, ये जो विच का प्रयोग किया गया है, इसके बाद एक वर्ब आई हुई है, और अगर ये वर्ब आई हुई है तो ये यहां पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो विच का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने एक सेंटेंस और लिखा विच डू यू लाइक मोस्ट,
यहां पर लिखा विच डू यू लाइक मोस्ट, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि यू लाइक मोस्ट व्हाट, विच वन आप लाइक करोगे, तो ये जो विच का आंसर दे रहा होगा वो यहां पर लिखा हुआ आंसर दे रहा होगा, इसलिए यहां पर जो ये काम करेगा मेरे दोस्त, ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। अब अगर इसे मैं एडजेक्टिव के तरीके से इस्तेमाल करूं तो मैंने कहा कि इसके बाद आपको जो यूज करना पड़ेगा वो एक नाउन यूज करना पड़ेगा, तो अगर इसे नाउन के तरीके से यूज कर एडजेक्टिव के तरीके से यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये विच शब्द जो आया है वो किसी नाउन के पहले आया है, वो किसी नाउन के पहले आया है, इसका मतलब ये जो विच है वो किसके तरीके से प्रयोग किया गया मेरे भैया, तो एडजेक्टिव के तरीके से प्रयोग किया गया है। ये कुछ यूजेस थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे, जो आपको जानना बहुत जरूरी था और इसे आप लोगों ने सीखा भी। आप लोगों से आशा करता हूं कि नोट्स वगैरह आप लोग बना रहे होंगे और इसे बनाते चलिए नोट्स। तो अगले दिन आज यही क्लास पर रोक देते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगले दिन की जो हमारी क्लास होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। आई होप कि आप लोग रोज नया नया चीजें कुछ सीख रहे होंगे और अच्छे से इसे सीखते रहो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।